यमुनानगर का सीएए वन अवैध हथियार रखने वालों पर ताबड़तोड़ लगातार कार्यवाही करता नजर आ रहा है। तो बताना चाहेंगे कि यमुनानगर के हमीदा हेड पुल के पास से फरमान नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से सीएए वन की टीम को तलाशी लेने के दौरान दो अवैध देसी पिस्टल के साथ एक मैगजीन और 5 जिंदा रौंद बरामद होते हैं। और इसी के चलते बीते कुछ दिन पहले यमुनानगर के पावर हाउस के पास से गुलाम मुस्तफा नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से अवैध हथियारों के साथ एक एक्सयूवी 300 गाड़ी जो है पुलिस के द्वारा बरामद कर ली जाती है। और आज जिस फरमान नामक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जब सीआईए वन की टीम के द्वारा गहराई में जाकर फरमान से पूछताछ की गई कि आखिरकार वो ये अवैध हथियार कहां से लेकर आ रहा था, तो उसने बताया कि वो गुलाम मुस्तफा, जिसे सीआईए वन की टीम के द्वारा पहले ही काबू कर लिया जाता है, गुलाम मुस्तफा के साथ एक और उसका साथी था, ये तीनों मिलकर उत्तर प्रदेश के मेरठ से इन अवैध हथियारों की लगातार तस्करी कर रहे थे। और इसमें हैरान करने वाली बात ये है कि अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो रखा है। लेकिन यमुनानगर के सीआईए वन के इंचार्ज केवल का कहना है कि पुलिस जल्द ही मामले की तह तक पहुंचकर उस मुख्य आरोपी का भी पर्दाफाश करेगी। और इसी के चलते सीआईए वन की टीम के द्वारा हरीश नामक एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो बेगमपुर का रहने वाला है, जिसे छछरौली के त्रिवेणी चौक से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब उस हरीश की भी तलाशी ली, तो उसके पास से एक अवैध देसी कट्टे के साथ 3 जो जिंदा रौंद है वो पुलिस के द्वारा बरामद कर लिए जाते हैं। तो यमुनानगर में अब जो कोई अवैध हथियार रखता पाया गया, तो उसके खिलाफ भी यही कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, यमुनानगर के सीआईए वन की टीम के द्वारा ऐसे आरोपियों का पर्दाफाश हुआ है, जो लगातार न जाने कितने समय से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे थे। और अब इसके तार कहां तक जुड़े हैं, यह पता लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसी के चलते यमुनानगर के सीआईए वन के इंचार्ज केवल सर हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तो चलिए देखते हैं यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर सीआईए वन से आज की एक खास रिपोर्ट। यमुनानगर के सीआईए वन की टीम के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार सीआईए वन लगातार अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही करती नजर आ रही है। और इसी के चलते हमीदा हेड पुल के पास से फरमान नामक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली, तो पुलिस को उसके पास से 2 अवैध देसी पिस्टल के साथ एक मैगजीन और 5 जिंदा रौंद बरामद हुए। और जब फरमान से पुलिस ने पूछताछ की, तो उसने बताया कि वो गुलाम मुस्तफा और उसके एक और साथी के साथ मिलकर पिछले काफ़ी समय से मेरठ के उत्तर प्रदेश से अवैध हथियारों की लगातार तस्करी कर रहा था। और बीते कुछ दिन पहले यमुनानगर के पावर हाउस के पास से सीआईए वन की टीम के द्वारा गुलाम मुस्तफा को भी गिरफ्तार किया जाता है, जिसके पास से तलाशी लेने के दौरान अवैध देसी हथियारों के साथ एक्सयूवी 300 जो गाड़ी है वो पुलिस के द्वारा बरामद कर ली जाती है। पता चल रहा था कि इसी गाड़ी के अंदर सवार होकर ये काफी समय से हथियारों की तस्करी के जो काम है इसको बढ़ावा दे रहे थे। और इसी के चलते बेगमपुर के रहने वाले हरीश नामक आरोपी को भी सीआईए वन की टीम के द्वारा काबू कर लिया जाता है, जिसके पास से अवैध देसी कट्टे के साथ 3 जिंदा रौंद पुलिस को बरामद होते हैं। तो अभी भी इसमें पता चल रहा है कि मेन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो रखा है। लेकिन सीआईए वन के इंचार्ज केवल का कहना है कि जल्द ही पुलिस मामले की तह तक पहुंचकर मुख्य आरोपी का भी पर्दाफाश करेगी। तो आज की ये बड़ी अपडेट यमुनानगर के सीआईए वन से आपको दिखा रही हैं। मेरी आप लोगों से अपील है कि यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल की इस खबर को देखने वाले सभी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी आज प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका क्या मकसद है? ये सीआईए वन यमुनानगर की टीम ने हरियाणा, जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर हैं, उनके आदेशानुसार और एएसपी मैडम के दिशा निर्देशन में एक अवैध हथियार तस्कर गिरोह का पीछे पर्दाफाश किया था, जिसमें 5 अवैध हथियार हमने रिकवर किए थे, जिसमें गुलाम मुस्तफा डार नाम के लड़के को, जो हमीदा का रहने वाला, गिरफ्तार किया था। तो उसी की पूछताछ के दौरान पता चला था कि इसके साथ एक अन्य लड़का और था फरमान, जो हमीदा का ही रहने वाला है, वह भी अवैध हथियार खरीद कर लाया था। तो उसी की पूछताछ के संदर्भ में इसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसको कल गुप्त सूत्रों से इसके बारे में जानकारी ली, और जब इससे मौका से गिरफ्तार किया गया हमीदा हेड से, जो हमीदा की साइड ही है, तो इसकी कब्जे से 2 नाजायज
32 बोर के पिस्टल और मिले, और दोनों में उसमें मैगजीन थी, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैगजीन, इसके अलावा 5 जिंदा रोंद इसके पास थे, और नियमानुसार इसको गिरफ्तार किया गया, अभियोग इसमें अंकित किया गया है, और आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, रिमांड लिया जाएगा कि इसने जो सोर्स बताए, इसने एक सोर्स मेरठ से बताया जिसमें पहले ही गुलाम मुस्तफ़ा डारवाला जो मुख्य आरोपी है उस केस का, उसका जो साथी है उसके साथ जाकर ये वेपन लाया था, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, और मेरठ से जहाँ से इसने हथियार खरीदे थे वहाँ भी पुलिस की टीम भेजी जाएगी और वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके अलावा एक लोकल इसका साथी और है, उसकी भी विस्तृत जांच के लिए इसका अभी हम माननीय न्यायालय से रिमांड हासिल करेंगे। तो इस प्रकार इस पूरी कार्रवाई में अभी तक 8 कुल हथियार अवैध जो हैं वो बरामद हो चुके हैं, और 20 जिंदा रोंद पहले बरामद हुए थे और 5 जिंदा रोंद अभी और हमने बरामद किए हैं, अभी इसमें कार्रवाई जारी है। इसके अतिरिक्त एक और CA1 की टीम ने हमारी ने छछरौली एरिया साइड में कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर एक अन्य आरोपी और है, हरीश नाम का, जो बेगमपुरा गांव का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है, जिसके पास एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा मिला है और 3 जिंदा रोंद मिले हैं। तो इस पर भी कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया और आगे की पूछताछ इससे की जा रही है। तो सर कहीं दोनों अभियुक्तों के आपस में तार मिले हुए हैं? जो फरमान है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फरमान गुलाम मुस्तफ़ा डार है, ये इसका दोस्त भी है और इसी के साथ जाकर हथियार लाया था, उसकी पूछताछ में आया था, तो ये एक ही, एक तरह से आप ये कह सकते हो एक ही ग्रुप है, और आगे भी इसमें जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है, जल्दी उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इसका पहले भी कोई आपराधिक मामले दर्ज है उनके खिलाफ? फरमान के ऊपर पहले भी आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है, बाकी इसका और भी अभी अन्य रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। और इसको कहां से गिरफ्तार किया गया था? हरीश को त्रिवेणी चौक है छछरौली में, वहां से गुप्त सूचना के आधार पर देसी कट्टे सहित वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। ये हरीश और इनका भी कोई पूछताछ में आई है जानकारी कि इनका आपसी से भी कोई संबंध रहा हो? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं, अभी तक पूछताछ में ऐसा कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये साबित होता हो कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। हथियारों को लेकर सर ये कोई इनकी कोई कमीशनबाजी भी होती है? हथियार जैसे कि मैंने पहला भी बताया था, ये गुलाम मुस्तफ़ा डार है जो ये हथियारों की तस्करी करते हैं, और ये अपना एक इसका मुख्य आरोपी अन्य साथी है, वो यूपी से और अन्य जगह से हथियार लेकर आता है और ये कमीशन पर आगे इसको बेच देते थे। जैसे गुलाम मुस्तफ़ा को इसमें एक हथियार पर 5,000 रुपये कमीशन मिलता था और बाकी का जो लेन देन है सारे का सारा मुख्य आरोपी ही करता है, और वो इसको एक किसी भी ऐप के माध्यम से ये बता देता था कि आज फलां आदमी को एक हथियार और इतने कारतूस देने हैं। इनके ऊपर कोई पहले भी केस दर्ज है फरमान और इस पे हरीश पे? फरमान के ऊपर मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, हरीश के ऊपर अभी तक जांच में कोई मुकदमा सामने नहीं आया, फिर भी रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। दोनों को रिमांड पे लिया जाएगा? हरीश को इसमें जुडिशियल भेजा जाएगा क्योंकि इससे कोई पूछताछ बकाया नहीं है, और फरमान को पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। ठीक है।